अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ट्रेडिशनल टिंडे गोश्त बनाना सिखा रही हूँ, जो शोरबे वाले बनते हैं, हमारे घरों में अक्सर पकते हैं। आप अपने बच्चों को खिलाइएगा, मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। पतले शोरबे के होते हैं। आपने आधा किलो आपने गोश्त लिया है, मीट ले लें, बीफ ले लें या आप मटन ले लें। उसके अंदर हमने डालनी है जनाब एक टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। मैं इसको आपको पकाने का चढ़ाने का तरीका बता रही हूँ, किस तरह टिंडे गोश्त के लिए गोश्त को चढ़ाया जाता है। ये हाफ टी स्पून जो है हल्दी, टर्मेरिक पाउडर और एक टी स्पून के साथ धनिया, ये सब आप डालती जाएं। और ये जनाब लहसुन अदरक दो टी स्पून ये डाल दिया आपने। ये आपने नमक ले लिया एक टेबल स्पून, आपने नमक ले लिया क्योंकि शोरबा होगा ये पतला, इसमें ग्रेवी होगी पतली। तो और आपने डेढ़ जो है आप चार खाने के चम्मच जो हैं ये कुकिंग ऑयल ये आपने डाल दिया। और उसके बाद आपने इतना पानी डाला कि उसके अंदर आपका गोश्त जो है वो बिल्कुल गल जाए। जब ये गोश्त गल जाएगा, भुन जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के बाद हमने ये एक 250 ग्राम हमने टिंडे लिए हैं, ये लास्ट में डालेंगे। ये टमाटर और ये चीज़ें लास्ट में डालेंगे। टमाटर गलने के बाद हम टिंडे डालेंगे। ये मैंने सॉस पे चढ़ा दिया है। जब ये पकने लगेगा वो गोश्त गल जाएगा, उसके बाद जो है वहाँ भूनने पर जब आएगा, जब ये भूनने लगेगा उसके बाद हम इसके अंदर जो है टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद जब वो टमाटर बिल्कुल गल जाएँ, अमूमन ख़वातीन शिकायत करती हैं कि हमारे प्याज और टमाटर यूँ ही शोरबे के अंदर नज़र आते हैं। आप मेरे तरीके से बताएंगे तो आपका शोरबा बिल्कुल स्मूथ होगा। या आपने इस तरह इसको चढ़ा दिया, किसी गरम मसाले की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सिंपल मेथड है गोश्त टिंडे गोश्त बनाने का, आप ये नोट कर लें। अब ये हमने चढ़ा दिया, जब ये भुनने पर आएगा गोश्त गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर जब गल जाएंगे फिर हम टिंडे डाल के खूब अच्छी तरह गोश्त की भुनाई करेंगे, उसके बाद हम शोरबा डाल देंगे। और वो पकने के बाद आप जितनी आपको शोरबा रखना हो उस तरह आप, यकीन करें आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। और हमें अमूमन हमें खाने ही हमें शोरबे वाले सालन चाहिए, भुने हुए नुकसानदेह होते हैं। एक तरफ हमारे पुलाव की अपनी चढ़ी हुई है और एक तरफ हमारे टिंडे गोश्त मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं। अब जब ये मैं ये गोश्त गल जाएगा उसके बाद आपको कंटिन्यू करूँगी। वेलकम बैक। ये देखें हमने गोश्त चढ़ाया था टिंडे गोश्त के लिए। अब ये भुनने जब इसमें थोड़ा सा पानी कम था, गोश्त हमारा गल गया था, तब मैंने इसके अंदर दो टमाटर बारीक काट के डाल दिए थे। देखें बिल्कुल भुन गए टमाटर। टमाटर जब तक सही से आप भुनेंगे नहीं तो टमाटर घुलेगा नहीं। इस तरह चलाने से, और डोई से चलाया करें, लकड़ी की डोई से ना टमाटर जल्दी घुलते हैं। कि जब अच्छी तरह घुल जाए, घुल चुके हैं, अब हमें इस स्टेज के ऊपर हमें इसके अंदर टिंडे को ऐड कर देना है। ये 250 ग्राम मैंने टिंडे लिए थे, ये आपने इस तरह जो है इसको खूब अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद आपने इसमें शोरबा डाल देना है, दो चार हरी मिर्चें साबुत डाल देनी है और फिर हल्की आंच पर इसको पकने रख देना है। उसी पानी के अंदर ये टिंडे गल जाएंगे और आपका शोरबा भी रेडी रहेगा। फिर हरा मसाला डाल के इसको आप सर्व करें, हर चीज़ रेडी है। बस ये ज़रा सा और हो जाए, भुन जाए, तो फिर मैं इसके अंदर आपको शोरबा डाल के दिखाती हूँ। दूसरी तरफ मेरा पुलाव दम पे रखा हुआ है, ये देखिए खूब अच्छी तरह भूनते वक्त आपने हाथ नहीं रोकना है। आपका सालन जब स्मूथ बनेगा, जब आप खूब कुछ चलाएंगे, टमाटर प्याज वगैरह जो कुछ हमने डाला था वो बिल्कुल घुल जाएगा एकदम, तब आपके सालन की शक्ल अच्छी लगेगी, टेस्ट भी अच्छा होगा। और जो अमूमन ख़वातीन की शिकायत होती है कि उनके सालन के अंदर प्याज अलग टमाटर अलग नज़र आ रहे होते हैं, ये चीज़ नहीं होगी। उसके लिए ये है, उसके लिए ये टोटका है, मेरी सास ने बताया था। इस तरह आपने खूब भुनाई करनी है। देखें टमाटर वगैरह प्याज सब घुल गया है बिल्कुल, कुछ नहीं है, सिर्फ मसाला है। ये सब घुलने के बाद अब देखें बिल्कुल ऑयल अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर इतना शोरबा डालेंगे कि जिसके अंदर जो है ये जनाब पानी डालेंगे जिसमें टंडे गल भी जाएंगे और जितना हमें इसका शोरबा दरकार होगा वो इसी के अंदर ही गलेंगे। और यही शोरबा हमारे लिए बहुत है, हल्की आँच पर रखेंगे आप तो ये जनाब टंडे बिल्कुल अभी 10 मिनट में गल जाएंगे ये, राइट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये देखिए हमारा टिंडे गोश्त बिल्कुल रेडी है, टिंडे मेरे गल चुके हैं, गोश्त भी गल गया है, शोरबा देखें। और इसके अंदर आपको टमाटर प्याज देखें, शोरबे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इस स्टाइल में बनाएं टिंडे गोश्त, आपको बच्चों को आपको सबको पसंद आएगा। देखें इस तरह आप इसको गार्निश करके दें। और ये मेरा टिंडे गोश्त भी आज माशाल्लाह रेडी हो गया है, गोश्त भी अच्छा गल गया है, टिंडे भी अच्छे गल गए हैं, टेस्ट भी बहुत इसका ज़बरदस्त होता है। मेरे बच्चे इतने शौक से खाते हैं ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे शोहर को भी बहुत पसंद है टिंडे गोश्त। ठीक है, आप देखें
और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम।